आज हम लोग ऑटोमेशन जो कि पेट्रोल पंपों पर होता है और जो कि बहुत सारी कंपनियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन आज हम लोग बात करते हैं ऑर्पिक के ऑटोमेशन की, जो कि HPCL के एक पंप पर लगा हुआ है। ये आप कीपैड देख रहे हैं, इन कीपैड के द्वारा इस पूरे बॉक्स को खोला जाता है। देखिए ये बॉक्स अब खुल गया है। बॉक्स में इस तरह के सारे सामान मौजूद हैं। ये TLS IV देख रहे हैं, ये TLS IV इसमें टैंक को शो करने का काम करता है, क्योंकि टैंक में जो प्रोब डली रहती हैं उसका कनेक्शन इस TLS IV से किया जाता है। इसके बाजू में देख रहे हैं, ये इसका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सारे ऑटोमेशन को कमांड देता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका पावर पैक है जिसमें इनपुट लिखा हुआ है, जिसमें 240 इनपुट दी जाती है और इससे 12 वोल्ट 8 एम्पियर की DC, और इसके साइड में ये जो कनेक्टर दिए हैं इसमें 5 वोल्ट की DC दी जाती है। इसमें आप ये देख रहे हैं डबल पोल और सिंगल पोल की दो MCV के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। इसके बाद ये 8 चैनल का इथरनेट स्विच लगा हुआ है, जिसके द्वारा अलग अलग जगह से इसको कोऑर्डिनेट कराया जाता है। ये वाईफाई राउटर आप देख रहे हैं, लियो कंपनी के लगे हुए हैं। ये दो वाईफाई राउटर इसमें लगे हुए हैं जो इसके डाटा को पुश करते हैं और इसको भेजते हैं। तो आपने देख लिया, ये सारा सिस्टम जो है वो एक बॉक्स के अंदर लगा हुआ है। बहुत ही आसान है। ये कनेक्टर लगे हुए हैं जिसके द्वारा विभिन्न विभिन्न जगहों पर सामान जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये सर्ज प्रोडक्शन डिवाइस है। इस डिवाइस का लगाने का प्रमुख कारण ये है कि लाइन में सर्ज आए या लाइटनिंग हो, उस दरमियान हमारा ऑटोमेशन सिस्टम पूरी तरीके से सेफ रहेगा। अब आप देखिए, इसमें दो कॉन्टैक्टर लगाए गए हैं। ये एक कॉन्टैक्टर है, ये दूसरा कॉन्टैक्टर है। ये दोनों सर्ज प्रोडक्शन जो रेड में दी गई हैं, ये सर्ज प्रोडक्शन डिवाइस है, जो कि जिस समय सर्ज होती है उस समय ये डिवाइस के अंदर लगे हुए ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक हो जाते हैं और हमारे पूरे सिस्टम को ये सर्ज प्रोडक्शन डिवाइस बचा लेती है। अब हम लोग इस मॉनिटर पर आएंगे। ये आप देखिए, ये मॉनिटर जो है वो दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस में डीलर का लॉगिन किया जाता है और पासवर्ड जो है 123456 इसके अंदर डाल दिया जाता है और इसको लॉक किया जाता है। इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप देखिए, सबसे पहले पंप का जो भी नाम होगा वो इस पर आ जाता है, जिस कंपनी का होगा वो कंपनी आ जाती है। लेफ्ट साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेन स्टेटस रिपोर्ट, बैट स्टॉक मैनेजमेंट, लोकल मैनेजमेंट, शिफ्ट मैनेजमेंट, कस्टमर, इवेंट व्यूअर, एडमिन और एग्जिट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपने देख ली हैं। अब हम लोग सबसे पहले कर्सर को स्टेटस पर ले जाएंगे। जैसे ही हम कर्सर को स्टेटस पर ले जाते हैं, जितने भी डिस्पेंसर हमारे पंप पर हैं वो पूरे डिस्पेंसर इस पर बन के आ जाते हैं। ये देखिए, ये डिस्पेंसर
हमारे दिखाई दे रहे हैं, एक एक, एक दो, दो तीन, दो चार, और ये यहाँ पर इस साइड ये नोजल बनकर आ रहे हैं। जब भी कभी कोई भी नोजल डिस्पेंस होता है तो उसमें से तेल निकलने लगता है। ये देखिए ऊपर ये पंप दिया है। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए कर्सर को टैंक पर लाते हैं। ये देखिए हमने कर्सर को टैंक पे किया तो ये हमारे टैंक में डिप कितनी है, डेंसिटी स्टेटस क्या है, नेट वॉल्यूम पर लीटर में क्या है, वाटर कितना है, वाटर वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, डेंसिटी 15 डिग्री पर कितनी है, ग्रॉस वॉल्यूम कितना है, टुडे सेल कितनी है, एम्प्टी डी सेल कितनी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों का स्टेटस हमको बहुत ही इजीली दिखाई देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑटोमेशन लगे होने से हमारे पंप के मालिक को और पंप के मैनेजर को किस तरह से फ़ायदा होता है। अब हम लोग रिपोर्ट पर आ सकते हैं। ये देखिए रिपोर्ट को मैंने कर्सर को किया, डेली सेल्स रिपोर्ट। देखिए डेली सेल्स रिपोर्ट हम लोग प्रोडक्ट वाइज देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट मैंने पेट्रोल का किया, मंथ जुलाई है, ये 22 तारीख है। इसका प्रीव्यू देखने के लिए हम लोग जाएंगे, हम लोग प्रीव्यू देख सकते हैं कि कितना हम लोगों ने इसको लिया हुआ है। तो ये आपने देखा कि सेल्स जो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी फिर हम लोग रिपोर्ट पर जाएंगे, इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ये रिपोर्ट पर गए, अब रिपोर्ट पर जाने के बाद डेली प्रोडक्ट वाइज सेल बेस रिपोर्ट पर जाएंगे। इससे हम लोग डेट वाइज देख सकते हैं। जैसे कि आप, ये 13 तारीख है, अभी का टाइम 17:00 मतलब 5:05 हुआ है। इसको हम सुबह का टाइम ले सकते हैं, 7:05 से, और अभी का जो प्रेजेंट टाइम है 13 तारीख का, 7:05 तक की हमको यदि सेल चेक करनी है। इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए ये पेट्रोल की सेल यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गई है। ये अभी तक कितने लीटर पेट्रोल बेच चुके हैं, ये इसमें दिखाई दे रहा है, 614 लीटर ये लोग पेट्रोल बेच चुके हैं, और डीजल 1066 लीटर बेच चुके हैं। तो आपने देखा इस तरह से बड़ी आसानी से हम लोग ऑटोमेशन के द्वारा सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। यही दो तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, स्टेटस पर टैंक में डिप और मशीन के द्वारा कितना डीजल या पेट्रोल निकल रहा है और रिपोर्ट। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से और कितनी इजीली हमारे पंपों का ऑटोमेशन के द्वारा सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। इसमें कुछ टेस्टिंग भी की जाती है। टेस्टिंग के लिए जो डिस्पेंसर है, कर्सर उस पर ला के राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर अलाउ नोजल टेस्ट पर जाएंगे। अलाउ नोजल टेस्ट के बाद जिस नोजल का हमको टेस्टिंग करनी है ऑटोमेशन से, उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी। प्रोसेसिंग के बाद वो नोजल से तेल निकलने लगेगा। देखिए जब भी कोई भी नोजल हमारे पंप का चलता है तो उस नोजल से तेल निकलने लगता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि कितना, किस व्यक्ति ने कितना तेल लिया है। नीचे देखिए सारी चीज़ें प्रदर्शित हो रही हैं, कितना लीटर तेल डला, कितने रुपए का तेल है, कितना पेंडिंग है, क्या है, सारी चीज़ें हमको इस चार्ट के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। ये बहुत ही ऑटोमेशन लगने से चीज़ें बहुत ही आसान हो गई हैं। ऑटोमेशन के द्वारा पंपों पर जो भी निरीक्षण होता है वो ऑयल कंपनियों द्वारा उनके
डिविजनल ऑफिस और हेड ऑफिस में टाइम टू टाइम डाटा पुश होके उनको दिखता रहता है। तो आपको जानकारी कैसी लगी? ऑटोमेशन से संबंधित और भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कर हमें बताइए। इससे हमको बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हम लोग इसी प्रकार की टेक्निकल वीडियो आपको देंगे। धन्यवाद।